नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर बर्रा में रहने वाले एक बुजुर्ग महिला को उसके पति बच्चों ने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, जहां आज बुजुर्ग महिला रोड किनारे गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की हाईटेक पुलिस कमिश्नर लागू होने के बाद थाना चौकी के लगा रही है न्याय की गुहार। आपको बता दें कि इस तरह का एक मामला चकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहले बुजुर्ग महिला का मामला सामने आया था, जिसको बीते दिनों सुर्खियों में देखने को मिला ही होगा, जहां कमिश्नर ने बुजुर्ग महिला को उसके घर पर सुरक्षित पहुंचाया था। आज एक और महिला उषा देवी बर्रा आठ की निवासी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं आपको साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से वह सड़क पर भटकती नजर आ रही है। जब महिला से बात की गई तो महिला ने बताया कि उसकी शादी 35 वर्ष पहले काकादेव निवासी राजकुमार गेरा से हुई थी, लेकिन 2-3 साल बाद से ही उस महिला से नौकरों जैसा बर्ताव होने लगा। इसकी शिकायत उसने अपने भाइयों से की। उसके भाइयों ने बंटवारे के तौर पर 1 लाख रुपए देकर उससे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन 1 लाख रुपए भी उसके पति ने छीन लिए। उसके पति ने भी उसको 3 वर्ष पहले घर से भगा दिया। महिला 3 वर्षों से थाना चौकी के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं है। कानपुर के आज रामगोपाल चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर 2 बच्चों ने अपनी मां को घर से बेघर कर दिया है और इस वक्त वो चौराहे पर बैठी हुई है और दर दर भटक रही है। जहाँ तक मुख्यमंत्री कार्यालय भी हो जाए, एसएसपी ऑफिस भी हो जाए, डीसीपी भी ऑफिस हो जाए, लेकिन अभी तक महिला को कोई न्याय नहीं मिल पाया। हमारे बीच वही अभी महिला मौजूद है, जो कि चौराहे पर अपना घर का सामान ले करके बच्चों ने उनको पूरी तरह से बेघर कर दिया है। और जैसे कि आसिम अरुण जो हैं, उनने भी अभी एक अभियान चलाया था बुज़ुर्गों को लेकर, कई बुज़ुर्गों को उनको घर तक पहुंचाने का कार्य किया। वहीं आज एक महिला ऐसी है जो घर ना जा सकती है, ना उसके लिए कोई जाने का कहीं रास्ता है, ना उसके पास 1 रुपया है कि वो अपना खान पीन कर ले सही से। लेकिन आज वो महिला जी, मैं बात करना चाहूँगा कि ये कहाँ से आई हैं और क्या इनका पूरा मामला है। माता जी, आप कहाँ से इस वक्त आप आई हैं? अभी इस टाइम तो बर्रा आठ में बता रही, आर्य नगर से मैं यहाँ पर आई थी सिरोली में। 1,04,000 नगद और गृहस्थी का पूरा सामान भाई लोगों ने दिया, मुझे आज़ाद कर दिया। जैसे चाहो वैसे रहो। क्या आपके कोई बच्चे वगैरह भी हैं? मेरे पास उनको जीता गया था, तो वो भी अलग हो गए हमसे, नाराज है। तो मेरे को क्या आप किसी अधिकारी के पास गई थी इसकी बात? सभी अधिकारी पास गई, हर थाने रही हूँ, ऊँची अधिकारी, कोई अधिकारी नहीं छोड़ा होगा मैंने। क्या पसंद मिला अभी चार? नहीं, जहाँ भी जाती हूँ मुझे भगा दिया जाता, क्योंकि मेरे पक्ष में कोई है नहीं, अकेली हूँ। क्या उच्च अधिकारियों के पास आप लोग गई? हाँ, सब उच्च अधिकारी पास गई हूँ। कहाँ कहाँ गए? सब DM, ADM, SSP और ऊपर कमिश्नर साहब, ऊपर कचहरी तक भी गई हूँ। कचहरी वकीलों ने भी मेरे दरख्वास्त की कंप्लेन करी, तो उसमें मामला और वो उलझा हुआ मामला मेरी माइंड से डिस्टर्ब कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ। आपको किसने आपको मतलब दे रहा है? आज मैं बर्रा आठ में गोल चौराहे पर बैठी हूँ पत्रकारों के। जरोली का कांड है, जरोली में ही मारपीट हुई थी जिससे मुझे भगा दिया। पहले तो राजकुमार गेरा शासीनगर के रहने वाले, जिन्होंने मुझे अंदर में कर लिया था, उसी की वजह से सारा मामला बिगड़ गया है। तो मैं घर जाना चाहती हूँ, अब चौराहे पे बैठी हूँ। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग है कि हमारी पूरी दिलाई जाए, जो मेरी नुकसान किया गया मुझे पूरा हर्जाना दिलाया जाए और संपत्ति मिल जाएगी। तो मैं फिर अगर आपको ऐसे न्याय नहीं मिला तो आप सही नहीं है, फिर मायके वालों को सबको बुलवा के मेरा निर्णय करा दिया जाए, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, मायने डिस्टर्ब हो गई है। सरकार द्वारा नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं कराया गया है। अभी भैया ने मुझे 100 रुपये दान किया है कि चलो खाती लेगी तो जैसे दान किया है। विधायक जी के भाई जी बैठे हैं, उन्होंने दान दिया है। जैसा कि आपको बता दें कि ये महिला बिल्कुल ही परेशान है, ना घर जा सकती है, ना किसी अधिकारी के पास जा सकती है, ना इसके पास कोई साधन है। आप देख सकते हैं इस वक्त किस पोजीशन में बैठी हुई है और अपने घर का पूरा सामान यहाँ पर रखी हुई है। कहीं ना कहीं
उच्च अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही, आखिर ये मामला जाएगा। अगर बेघर करा गया है तो उसको कोई अनाथ आश्रम वृद्धा आश्रम में उसको रास्ता दिया जाए, ताकि महिला अपना पालन पोषण व अपने घर का सारा सामान लेकर अपना वहाँ जा सके। कानपुर से हिमांशु श्रीवास्तव, इंडियन टाइम। We'll be right back.